सारे वैज्ञानिकों का यह मानना है कि सबसे ज्यादा अगर गर्मी कम हम कर सकते हैं तो एक ही क्षेत्र में इस समय कम कर सकते हैं, और वो क्षेत्र है मांस के उत्पादन में कमी लाकर और मांस के उपभोग को कम करके सारी दुनिया में गर्मी को कम किया जा सकता है। अगर सारी दुनिया शाकाहारी हो जाए, सारी दुनिया निरामिष हो जाए, सारे दुनिया के लोग मांस खाना बंद कर दें, सारे दुनिया के लोग जानवरों की हत्या करना बंद कर दें, तो सबसे तेजी से गर्मी कम हो सकती है और वो कुल गर्मी का लगभग 25% है। और फिर आश्चर्य की बात आपको और बताऊं कि अगर मांस उत्पादन खत्म हो जाए सारी दुनिया में और मांस का उपभोग खत्म हो जाए तो गैर जरूरी जो यातायात की गर्मी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको सुनकर हैरानी होगी कि जो जरूरी यातायात के लिए डीजल पेट्रोल खर्च होता है उससे 2.5 गुना ज्यादा गैर जरूरी यातायात के लिए डीजल और पेट्रोल का खर्चा होता है पूरी दुनिया में। आप कोई काम से बहुत जरूरत से अपनी गाड़ी चलाकर जा रहे हैं, उसमें अगर 1 लीटर डीजल खर्च हो रहा है तो बेकार के फालतू के लिए आप जो जा रहे हैं कहीं या किसी चीज को ला रहे हैं उसमें 2.5 लीटर खर्च होता है। तो ये मांस का जो उत्पादन होता है दुनिया में वो कुछ कुछ देशों में होता है और सारी दुनिया में ये मांस बिक्री के लिए भेजा जाता है। तो मांस का उत्पादन करने के लिए पहले जानवरों को ट्रक में भर भर के किसी मांस के उत्पादन केंद्र तक लाया जाता है, और जानवरों को भर भर के ट्रक में जो लाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल का खर्चा होता है। फिर उन जानवरों को काट देने के बाद उनका मांस निकाला जाता है, फिर उस मांस को डब्बों में भर भर के दुनिया भर के देशों में बेचने के लिए भेजा जाता है, फिर उसमें फालतू डीजल पेट्रोल का खर्च होता है। एक तो जो यात्रा हो रही है जानवरों का मांस भर के ले जाया जा रहा है, दूसरा उस मांस को कम तापमान पर रखना पड़ता है ताकि वो जल्दी खराब ना होने पाए, क्योंकि एक देश में मांस का उत्पादन हो रहा है और दूसरे देश में बिक्री के लिए वो जा रहा है। कल्पना करिए कि कनाडा में मांस का उत्पादन हो रहा है और वो भारत में बिक्री के लिए आ रहा है, तो कनाडा से 20,000 मील की दूरी तय करके वो भारत में आएगा, या अमेरिका में मांस उत्पादन हुआ और भारत में आ रहा है, या भारत में मांस उत्पादन हुआ और अमेरिका जा रहा है, तो ये हजारों मील की जो दूरी मांस के लिए तय की जाती है, मांस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, इसमें मांस का लाना ले जाना तो एक बात है लेकिन मांस को कम तापमान पर रखने के लिए उसको हर समय एयर कंडीशनड स्थिति में रखना पड़ता है, उसमें जो ऊर्जा खर्च होती है वो आने जाने से भी कई गुना ज्यादा होती है। तो वैज्ञानिकों का ये कहना है सारी दुनिया में, भारत के ही वैज्ञानिक नहीं सारे दुनिया के वैज्ञानिक अब इस बात पर सहमत हो रहे हैं कि अगर सारी दुनिया के लोग अपनी जीवन शैली को बदल दें, मांस खाना बंद कर दें, मांस का उपभोग बंद कर दें, तो सारी दुनिया की गर्मी 25% कम हो जाएगी और फालतू जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है और उसके कारण जो 32% गर्मी फालतू में बढ़ रही है वो भी कम हो जाएगी। तो 25% एक और 32% एक दोनों को मिला दो तो लगभग आप कल्पना करो 60% गर्मी तो सीधे कम होती है अगर सारी दुनिया के लोग मांस खाना बंद कर दें और मांसाहारी भोजन का उपभोग करना बंद कर दें। फिर आपके मन में एक तर्क आएगा और सारी दुनिया के मांस खाने वाले ये तर्क देते हैं कि अच्छा ठीक है, आपकी बात हमने मान ली, भारत स्वाभिमान की बात हमने मान ली, परम पूजनीय स्वामी जी हर समय कहते हैं मांस मत खाओ उनकी बात हमने मान ली, और सारी दुनिया ने थोड़ी देर के लिए कल्पना करो ये बात मान ली कि मांस नहीं खाएंगे, तो क्या सबके लिए गेहूं है खाने को, क्या सबके लिए चावल है खाने को, क्या इतना कृषि उत्पादन है जो सबका पेट भर सकता है, गेहूं चावल चना दाल मटर सब्जियां और फल इतने पैदा होते हैं क्या, दूध इतना पैदा होता है क्या दुनिया में जो सबका पेट भर सकता है। इस विषय को जानने और समझने के लिए मैंने थोड़ा अध्ययन और अभ्यास किया, उसमें से जो आंकड़े निकले हैं और जो जानकारियां निकली हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और तब आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि अगर सारी दुनिया मांस खाना बंद कर दे तो इस दुनिया में इतना अनाज पैदा हो रहा है कि वो सारी दुनिया के एक एक व्यक्ति का तो पेट भर ही देगा, इसके बराबर की दूसरी दुनिया और पैदा हो जाए तो भी सबका पेट भर देगा। मैं आपको ये आंकड़े से बताने की कोशिश करता हूं। इस समय पूरी दुनिया में 650 करोड़ लोग रहते हैं, भारत में 115 करोड़ लोग हैं,
चीन में 140 करोड़ लोग हैं, ये दो देश दुनिया में हैं जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले हैं। इसके अलावा तीसरा बड़ा देश है अमेरिका, जहां पर लगभग 27 करोड़ हैं। फिर यूरोप के 15 देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, हॉलैंड है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ये 15 देश मिलाकर इनकी संख्या 30 करोड़ है। फिर अफ्रीका है, फिर लैटिन अमेरिका, सारी दुनिया में लगभग 650 करोड़ लोग हैं। अभी जितना भोजन माने गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर, सब्जियां, फल आदि पूरी दुनिया में जो पैदा होता है, 650 करोड़ लोगों के लिए तो पर्याप्त है ही। अगर मांस खाना दुनिया में बंद हो जाए और मांस उद्योग पर ताला लग जाए, तो जितना भोजन आज पैदा हो रहा है, ये 1300 करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त हो जाएगा। मैं ये जो कहना चाहता हूं वो ये बात कहना चाहता, अभी तो 650 करोड़ लोग हैं, और 650 करोड़ लोग दुनिया में पैदा हो जाएं, एक तरफ आप मान लीजिए कि सारे दुनिया की जनसंख्या दोगुनी हो जाए, 1300 करोड़ लोग पूरी दुनिया में हो जाएं, और दूसरी तरफ मांस उद्योग पर ताला लगा दिया जाए, तो जितना भोजन आज पैदा हो रहा है, जितना अनाज आज पैदा हो रहा है पूरी दुनिया में, वो 1300 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए पर्याप्त है। आप बोलेंगे वो कैसे, ये बात समझ में नहीं आई। इस बात को मैं समझाना चाहता हूं ऐसे कि दुनिया में जो मांस का उत्पादन होता है ना, उसकी प्रक्रिया क्या है वो हमें जान लें। दुनिया में मांस उत्पादन होता है जानवरों का कत्ल करके, और जानवरों में सबसे ज्यादा कत्ल होने वाला जो प्राणी है उसका नाम है गाय, और गाय के वंश का बैल, और गाय के वंश के बछड़े और बछड़ी, सबसे ज्यादा ये कत्ल होते हैं पूरी दुनिया में। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा कत्ल होने वाला प्राणी है पूरी दुनिया में वो है सुअर, और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा कत्ल होने वाला प्राणी है पूरी दुनिया में वो है भैंस, और चौथे नंबर पर जो सबसे ज्यादा कत्ल होने वाला प्राणी है वो है बकरी और बकरे और भेड़, और पांचवें नंबर पर जो सबसे ज्यादा कत्ल होने वाला जानवर है वो है मुर्गे और मुर्गियां, और उसके बाद छोटे पक्षी, उनकी तो संख्या और उनकी कोई गिनती नहीं है। इन जानवरों को कत्ल करने से पहले इनके शरीर में मांस ज्यादा हो तो कत्ल करने वाले उद्योगों को फायदा ज्यादा होता है। तो जानवरों के शरीर में मांस बढ़ाने के लिए वो जानवरों को अनाज खिलाते हैं, गेहूं खिलाते हैं, गेहूं के अलावा चावल और चना आदि खिलाते हैं, और मकई खिलाते हैं, बाजरी खिलाते हैं, तो इन जानवरों को भोजन खिलाया जाता है। ये जानवर सभी प्रकृति से जो है ना घास खाने वाले हैं, गाय घास खाने वाली है, भैंस घास खाने वाली है, इसी तरह से सुअर जो है ना मनुष्य का मल और दूसरी चीजें खाने वाला है, इसी तरह से बकरी और बकरे पूरी तरह से शाकाहारी जीव है, और ये मुर्गा मुर्गी भी ज्यादातर ऐसी चीजें ही खाते हैं। तो ये जो जानवर हैं ये तो घास खाने वाले और चारा चरने वाले जीव हैं, लेकिन मांस उत्पादन करने वाली कंपनियां इनको जबरदस्ती गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर और बाजरी और मक्की ऐसी चीजें खिलाते हैं। इनको खिलाने से क्या फायदा होता है? ये अगर गेहूं खिलाया जाए जानवरों को, सोयाबीन खिलाया जाए जानवरों को, और बाजरी मक्की आदि खिलाई जाए जानवरों को, तो वो बहुत जल्दी मोटे होने लगते हैं, बहुत जल्दी उनके शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है, बहुत जल्दी उनके शरीर में फैट बढ़ने लगता है, और बहुत जल्दी उनका शरीर भारी होने लगता है। और जानवरों को काटकर बेचने वाले जो लोग हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा यही है कि जो जानवर जितना ज्यादा भारी होगा, जितना ज्यादा वजन होगा, उसमें मांस उतना ज्यादा ही निकलेगा, बिक्री होगी तो उसमें मुनाफा उतना ही ज्यादा होगा। तो मांस उत्पादन करने वाली कंपनियां जानवरों को वो भोजन कराती हैं जो भोजन मनुष्य के लिए है। अब वो मनुष्य का भोजन जब जानवरों को करा दिया जाता है तो मनुष्य के हिस्से में भोजन कम पड़ना शुरू हो जाता है, और वही भोजन की कमी हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को भूख से मार देती है। अब मैं थोड़े आंकड़ों की बात करता हूं। सारी दुनिया के जानवरों को गेहूं है, गेहूं से बनने वाली चीजें हैं, मक्की है, मक्की से बनने वाली चीजें हैं, बाजरी और बाजरी से बनने वाली चीजें हैं, सोयाबीन और सोयाबीन से बनने वाली चीजें हैं। तो जानवरों को कृषि उत्पन्न जो अनाज खिलाया जाता है वो कुल अनाज का लगभग 40% है भारत जैसे देशों में, और 70% है अमेरिका जैसे देशों में। ये भारत और अमेरिका की दो अलग अलग श्रेणियां मैंने बनाई हैं। भारत का मतलब है दुनिया के गरीब देश,
जैसे भारत एक देश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो भारत जैसे दुनिया में 186 देश हैं जिनको गरीब देश कहा जाता है। आजकल अंग्रेजी भाषा में एक शब्द विकसित हुआ है इन देशों के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश या विकसनशील देश। तो भारत और भारत जैसे गरीब देश है, आप समझ लीजिए विकासशील देश। तो 186 देश हैं भारत जैसे, इन सभी देशों में मांस उत्पादन के लिए कुल कृषि उत्पन्न का 40% जानवरों को खिलाया जाता है। अब दूसरी तरफ अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, कनाडा है और यूरोप के कई सारे देश हैं। इन देशों में कुल कृषि उत्पादन का लगभग 70% जानवरों को खिला दिया जाता है। आप सोचिए, अमेरिका में कुल जितना गेहूं पैदा होता है, उस पैदा हुए गेहूं का 70% जानवरों को खिलाया जाता है। क्यों खिलाते हैं? अमेरिका के जानवर गेहूं खाकर, अमेरिका के जानवर सोयाबीन खाकर या कृषि उत्पन्न खाकर जल्दी से मोटे हो जाएं, जल्दी से उनके शरीर में मांस बढ़ जाए, ज्यादा मांस हो जाए, ज्यादा मोटे हो जाएं, और उनको फिर काटकर उनका मांस दुनिया में बेचकर अमेरिका की मांस बेचने वाली कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाएं। तो आप सोचिए, जो अमीर देश हैं उनके कृषि उत्पादन का 70% जानवर खा जाते हैं, जो गरीब देश हैं वहां मांस उत्पादन के लिए कुल उत्पादन का 40% खिला दिया जाता है जानवरों को। अगर औसत निकाला जाए, 70 और 40 को जोड़ दिया जाए 110 और इसका औसत निकाला जाए तो 55, माने दुनिया में औसतन आधा अनाज जानवरों को खिलाकर उनको मोटा बनाकर फिर उनका मांस कुछ लोग खाते हैं। अगर इस तर्क को सीधा सा समझने की कोशिश करें कि आधे से ज्यादा अनाज पहले हम जानवरों को खिलाएं, उनको मोटा बनाएं, फिर उनका मांस हम खाएं, इससे अच्छा सीधा सीधा यह है कि वो आधा अनाज सीधे ही हम खा जाएं, तो जितनी जनसंख्या की आज पूर्ति हो रही है उससे दोगुनी जनसंख्या की पूर्ति ऐसे ही हो जाए। तो आप बोलेंगे, जी जानवर के लिए कहां से आएगा? प्रकृति ने, भगवान ने, परमात्मा ने ऐसी सुंदर व्यवस्था की है कि जहां से आपके लिए भोजन आता है वहीं जानवरों के लिए भी पैदा हो जाता है, उसके लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। अगर आप खेती करते हैं, किसान हैं, तो आपको मालूम है हम गेहूं पैदा करते हैं तो गेहूं का ऊपर वाला हिस्सा तो हमारे काम आ जाता है खाने के लिए और नीचे का पूरा हिस्सा किसी गाय बैल भैंस के काम आ जाता है खाने के लिए। तो अतिरिक्त कुछ पैदा नहीं करना पड़ता जानवर के लिए, माने मनुष्य के लिए जो कुछ पैदा हो रहा है उसी से जानवर की पूर्ति होती है। हम मक्की का उत्पादन करते हैं, हम बाजरी का उत्पादन करते हैं, तो मक्की और बाजरी के ऊपर का जो हिस्सा है बाल वाला, जो लगभग 1 फीट का होता है, वो तो हमारे काम आ जाएगा और बचा हुआ नीचे का 6-7 फीट का जो हिस्सा है वो तो किसी जानवर के ही काम आने वाला है। तो प्रकृति और परमात्मा ने तो व्यवस्था ऐसी की है कि मनुष्य के लिए कुल उत्पादन जितना चाहिए उससे 6-7 गुना ज्यादा उत्पादन चारे और घास का जानवरों के लिए हो ही जाता है, उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए जानवरों की हमें यह चिंता छोड़ देनी पड़ेगी कि अगर हम उनको अनाज नहीं खिलाएंगे तो उनका पेट कहां से भरेगा। उनका पेट भरने के लिए तो प्रकृति और परमात्मा ने व्यवस्था की हुई है, आप उसकी चिंता मत करिए। आप तो सिर्फ इतनी चिंता करिए कि अपने पेट में ये जानवरों को काट काट कर डालना बंद कर दीजिए, इनका मांस खाना बंद कर दीजिए, सारी दुनिया की व्यवस्था तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से है। मैं थोड़ी सी और बात समझाने के लिए कुछ आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। सारी दुनिया में इस समय मांस का जो कुल उत्पादन होता है, पूरी दुनिया में 200 देश हैं कुल मिलाकर, भारत सहित, अमेरिका सहित, कनाडा, जर्मनी जैसे, तो पूरी दुनिया के 200 देशों में कुल मांस का एक साल में उत्पादन होता है 28,50,000 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन में लगभग 1,000 किलोग्राम होते हैं, तो 28,50,000 मीट्रिक टन मांस का उत्पादन पूरी दुनिया में होता है। इस पूरे के पूरे मांस के उत्पादन को मांस पैदा करने वाली कंपनियां बोल रही हैं कि 2050 तक हम इसको 46,50,000 मीट्रिक टन कर देंगे उस उत्पादन को। मतलब जो उत्पादन आज हो रहा है उसका लगभग दोगुना वो कर देंगे 2050 तक। इसका मतलब सीधा सा ये है कि मांस उत्पादन करने वाली कंपनियां पूरी दुनिया में ताकत से लगी हुई हैं कि मांस का उत्पादन बढ़े।
और ये मांस का उत्पादन तभी बढ़ेगा जब मांस का उपभोग बढ़े, मांस का उपयोग बढ़े, मांस का ज्यादा से ज्यादा लोग उपयोग करें। तो मांस पैदा करने वाली कंपनियां पूरी दुनिया को मांसाहारी बनाने के काम में लग गई हैं, और उसके लिए उन्होंने कई तरह के तर्क और कुतर्क विकसित कर लिए हैं, और रात दिन वो प्रचार कर रही हैं, उनके विज्ञापन रोज टीवी पर आ रहे हैं। भारत में भी आपने देखा है ना, ये मांस उत्पादन करने वाली कंपनियों का ही विज्ञापन है, संडे हो या मंडे कभी भी खाओ अंडे, आपने देखा होगा। और हमारे देश में मुझे बहुत शर्म आती है, अफसोस होता है कि कई सिनेमा में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस जो निजी जिंदगी में शाकाहारी हैं, वो पैसे के लालच में अंडों का विज्ञापन करते हैं। और हमारे देश के कुछ खिलाड़ी भी हैं, क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं, अन्य खेल खेलने वाले खिलाड़ी हैं, और हमारे देश के और भी कई ऐसे अच्छे लोग जिनको माना जाता है मीडिया में, वो भी लग गए हैं। तो पूरी दुनिया में मांस का उपभोग बढ़े और मांस का उपयोग बढ़े, इसके लिए कंपनियां करोड़ों करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च कर रही हैं। तो अभी 28 करोड़ 50 लाख टन मांस उत्पादन होता है, 2050 तक उम्मीद है कि ये 46 करोड़ टन होगा अगर वो सफल हो गए तो। और दूसरी तरफ यह भी संभावना है कि अगर हम सफल हो गए, भारत स्वाभिमान अभियान सफल हो गया और सारी दुनिया में हमारे जैसे विचार के लोग सफल हो गए, तो आने वाले सन 2050 में पूरी दुनिया में मांस का उपभोग जीरो होगा, शून्य होगा, 0% होगा। माने ये जो 28 करोड़ 50 लाख टन आज हो रहा है, ये 2050 तक आते आते खत्म ही हो जाएगा, बंद ही हो जाएगा, अगर हमारे जैसे लोग सफल हो गए और अपनी विचारधारा के लोग सारी दुनिया में बढ़ गए। तो ये लड़ाई अब देवासुर संग्राम की लड़ाई है। एक तरफ असुर लोग हैं जो मांस पैदा कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं और मांस खिला रहे हैं, और एक तरफ आपके जैसे देव लोग हैं, देवता लोग हैं, जो मांसाहारी जीवन शैली के खिलाफ सारी दुनिया को शाकाहारी बना रहे हैं और इस अभियान को बढ़ा रहे हैं, योग और प्राणायाम के माध्यम से, और कोई कोई दूसरे लोग मेडिटेशन के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से ये काम चल रहा है। युद्ध सारी दुनिया में इस समय शुरू हो चुका है। ये मांस पैदा करने वाले जो सारी दुनिया में लोग हैं, जितना मांस ये पैदा करते हैं, इन मांस के पैदा होने के जो उपभोग के बारे में एक जानकारी देना चाहता हूं कि एक तरफ दुनिया में भारत जैसे 186 गरीब देश हैं और एक तरफ अमेरिका जैसे दुनिया में 16 अमीर देश हैं, तो 16 अमीर देशों में कुल मांस उत्पादन का 60% खपत होता है और 186 देशों में कुल मांस उत्पादन का मात्र 40% खपत होता है। इसका मतलब बहुत साफ है कि गरीब देश अभी भी बहुत ज्यादा धार्मिक हैं, बहुत ज्यादा नैतिक हैं, गरीब देश अभी भी बहुत ज्यादा सात्विक हैं और गरीब देश अभी भी बहुत ज्यादा पवित्र हैं। अमीर देश जिनकी संख्या मात्र 16 है, वहां 60% मांस का उपभोग होता है। माने 28 करोड़ 50 लाख टन के आंकड़े को आप निकालेंगे तो लगभग 18-19 करोड़ टन मांस का उपभोग और उत्पादन तो अमीर देशों में ही है, गरीब देशों में तो काफी कम है। इसका मतलब गरीब देशों में अभी भी शाकाहारी लोग ज्यादा हैं, सामिश लोग अमीर देशों में ज्यादा हैं। मैं इसको थोड़ा और आगे बात करूं, ये अमीर देशों में और सारी दुनिया में जो मांस का उपभोग और उत्पादन है, इसमें मुर्गे मुर्गियों का जो उत्पादन है, मुर्गे मुर्गियों के मांस का वो करीब 9 करोड़ टन है, सुअर के मांस का उत्पादन करीब 10 करोड़ टन है, गाय के मांस का उत्पादन 6 करोड़ 70 लाख टन है। अब इतना मांस जो पूरी दुनिया में पैदा हो रहा है 28 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन, इस मांस के उत्पादन के लिए हर साल पूरी दुनिया में 56 अरब जानवरों का कत्ल होता है। 56 अरब जानवरों का माने 5,600 करोड़ जानवरों का कत्ल होता है, और ये बड़े जानवर हैं। बड़े जानवर का माने गाय है, बैल है, भैंस है, ये बड़े जानवर हैं, बकरे हैं, बकरियां हैं, मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं, वहां तक तो गिनती होती है, सुअर भी इसमें है। उसके नीचे जो छोटे पक्षियों की गिनती है, वो अंदाजा लगाया जाता है, उनको गिनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 5,600 करोड़ निर्दोष जानवरों को, मूक जानवरों को, जिन्होंने दुनिया में कभी किसी का अहित नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, ऐसे जानवरों को काट दिया जाता है 28 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन मांस पैदा करने के लिए। इस मांस के उत्पादन में भारत की क्या स्थिति है, उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं। भारत में हर साल मात्र 58 लाख मीट्रिक टन मांस का उत्पादन होता है,
पूरी दुनिया में 28 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन उत्पादन है मांस का, भारत में मात्र 58 लाख मीट्रिक टन मांस का उत्पादन है। माने पूरी दुनिया के अगर प्रतिशत में निकाला जाए तो पूरी दुनिया के मांस के उत्पादन का 10% निकलेगा तो करीब 2 करोड़ 80 लाख निकलेगा, 5% निकलेगा तो करीब 1 करोड़ 40 लाख निकलेगा, 2.5% के आसपास भारत में मांस का उत्पादन है। पूरी दुनिया के कुल मांस के उत्पादन में भारत की स्थिति 2.5% उत्पादन की ही है। माने अगर दुनिया के हिसाब से आंकड़ों में बात की जाए तो भारत में मांस का उत्पादन अभी काफी कम है, माने भारत में मांस खाने वाले लोग काफी कम है, माने भारत में सबसे ज्यादा संभावना है सभी लोगों के जल्दी से जल्दी शाकाहारी हो जाने की। भारत में जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार मैं बात करूं तो भारत में अगर मान ले 115 करोड़ नागरिक रहते हैं तो आंकड़ों के अनुसार इनमें लगभग 70% नागरिक हैं जो शाकाहारी हैं, जो पूरी तरह से शाकाहार पर जीवन जीते हैं अपना, और 30% भारतवासी हैं जो मांसाहारी हैं, जो मांस खाके अपना जीवन बिताते हैं। भारत में मांस के उत्पादन में गाय का मांस 14 लाख टन पैदा होता है, भैंस का मांस करीब 14 लाख टन पैदा होता है, मटन करीब 2.5 लाख टन पैदा होता है, बकरे बकरी का मांस करीब 4.5 लाख टन है, सुअर का मांस 6,30,000 टन है, मुर्गे मुर्गी का मांस 16 लाख टन है। और इस पूरे मांस को पैदा करने के लिए भारत सरकार के पिछले साल के आंकड़े हैं 2008 के, कि ये भारत में 58 लाख मीट्रिक टन मांस पैदा करने के लिए 10 करोड़ 50 लाख जानवरों का पिछले साल कत्ल किया गया। और ये 10 करोड़ 50 लाख जानवरों का जो कत्ल हमारे देश में किया गया, इनमें लगभग 4.5 करोड़ जानवर हैं जो गाय बैल भैंस की कैटेगरी के हैं, माने बड़े जानवर हैं, और बचे हुए सारे छोटे जानवर हैं, बकरे बकरी मुर्गे मुर्गियां आदि आदि। तो भारत देश में लगभग 3,600 तो सरकार के रजिस्टर्ड कत्ल खाने हैं और करीब 36,000 अनरजिस्टर्ड कत्ल खाने हैं। इनके द्वारा कुल मिलाकर ये 10 करोड़ जानवर हर साल काटे जा रहे हैं और उसमें से 58 लाख मीट्रिक टन मांस पैदा हो रहा है। ये भारत की स्थिति है। इसी तरह चीन के बारे में अगर बात करूं तो चीन में हर साल 12 करोड़ मीट्रिक टन मांस पैदा होता है। और इसी तरह अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 4.5 करोड़ मीट्रिक टन मांस हर साल पैदा होता है। यूरोप की बात करें तो यूरोप में हर साल करीब 3.6 करोड़ मीट्रिक टन का है और दूसरे दूसरे देशों में उससे कुछ कम है। अब ये जो मांस उत्पादन हो रहा है सारी की सारी दुनिया में भारत सहित, इस मांस उत्पादन में 4-5 नुकसान सबसे बड़े हो रहे हैं। मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि जो अनाज हम मनुष्य को खिलाने के लिए पैदा करते हैं वो अनाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जानवरों को खिलाया जा रहा है और जानवरों को मोटा बनाकर उनका मांस खाया जा रहा है। अगर जानवरों वाला अनाज सीधे मनुष्य को खाने को मिल जाए तो सारी दुनिया की भुखमरी खत्म हो जाए एक बार में ही। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, यूनाइटेड नेशंस ने अभी थोड़े दिन पहले स्टडी कराई, संयुक्त राष्ट्र ने एक अध्ययन कराया कि भारत में और दुनिया में हर दिन 40,000 लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल है, बिना दूध और बिना रोटी के मरते हैं। 40,000 लोग हर दिन मरते हैं, भूख से मरते हैं। और सारी दुनिया में लगभग 200 करोड़ लोगों को भुखमरी की हालत है। पूरी दुनिया की लगभग 1/3 आबादी भुखमरी के कगार पर है। मैंने आपसे कहा था कि 650 करोड़ की पूरी दुनिया है, उसमें 200 करोड़ लोगों को हर समय भुखमरी की हालत रहती है और इनमें से 40,000 लोग हर दिन मर जाते हैं सारी दुनिया में भूख के कारण। अब इतने सारे लोग हर दिन मर रहे हों भूख के कारण, तो इन लोगों की भुखमरी खत्म हो जाए और 200 करोड़ लोगों की भुखमरी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था जिनका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, उन्होंने एक सर्वेक्षण किया और उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि सारी दुनिया के मांस खाने वाले लोग अपने मांस के उपभोग में सिर्फ 10% की कटौती कर दें, सिर्फ 10%। माने जो लोग सारी दुनिया में मांस खा रहे हैं ना, उनमें से 10% लोग शाकाहारी हो जाए तो एक भी बच्चा पूरी दुनिया में भूख से नहीं मरेगा और एक भी व्यक्ति पूरी दुनिया में भूख से नहीं मरेगा। इसको दो तरह से समझ सकते हैं। अमेरिका में हर आदमी साल में 165 किलो मांस खा जाता है,
चीन में हर आदमी साल में 95 किलो मांस खा जाता है, यूरोप में हर आदमी साल में लगभग 130 किलो मांस खा जाता है, यूरोप और कनाडा मिला के। तो कनाडा और यूरोप में 130 किलो मांस आदमी साल में खा जाता है, अमेरिका में 165 किलो खा जाता है, चीन में करीब करीब 95 किलो मांस हर आदमी साल में खा जाता है, भारत में हर आदमी साल में जो मांसाहारी है 3.5 किलो मांस खा जाता है। तो भारत की गिनती अगर अमेरिका, चीन और यूरोप की तुलना में करें तो बहुत नीचे आती है मांस खाने वालों में। फिर भी भारत के लोग अगर 10% मांस कम खाएं या भारत में 10% लोग शाकाहारी हो जाएं, अमेरिका में हर आदमी जो 165 किलो मांस साल का खा रहा है वो अगर 165 किलो मांस को 150 किलो कर दे साल में खाना, या कनाडा का आदमी 120 किलो कर दे या 115 किलो कर दे, और चीन का आदमी 80 किलो कर दे, अपने अपने मांस में 10% की कटौती कर दें अगर वो खाने में, तो दुनिया के 200 करोड़ लोगों का हमेशा के लिए पेट भरा जा सकता है। और 40,000 बच्चे जो रोज भूखे मर रहे हैं और बड़े लोग भी उनके साथ मर रहे हैं, उनकी जिंदगी में कभी भुखमरी से मौत नहीं हो सकती है। मतलब सीधा सा यह है कि मांसाहारी जीवन अगर छोड़ते हैं तो दुनिया के सारे लोगों को जिंदा रहने के लिए रास्ता खुलता है, दुनिया के लोगों का पेट भरता है। ये कितनी बड़ी बात है, और ये बात अभी अध्ययन में से निकल कर आई है जो संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं ने किया है। इसका मतलब बहुत साफ है कि दुनिया में जो लोगों को सेवा करनी है और लोगों का पेट भरना है, लोगों का जीवन अच्छा बनाना है, अगर सब मिलकर पूरी ताकत से एक ही काम में लग जाएं कि लोगों का मांस छुड़ा दें या लोगों को शाकाहारी बना दें, तो इतनी बड़ी सेवा पूरी दुनिया की हो सकती है, शायद ही कोई दूसरी सेवा उसके सामने हो। भूखे को भोजन देना और मरते हुए को जीवन देना, इससे बड़े पुण्य का काम पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। भारत के शास्त्रों में और भारत के पुराने ऋषि महर्षियों के द्वारा कई किए गए आप्त वचनों में जो सबसे महत्व की बात है वो ये है, भूखे को भोजन देना, मरते हुए को जीवन देना, इससे बड़ा सेवा का और पुण्य का कोई काम नहीं है। तो अगर दुनिया के भूखे लोगों को भोजन देना है, मरते हुओं को जीवन देना है, तो हम सब पूरी दुनिया के लोगों को एक ही काम में ताकत से लग जाना चाहिए, लोगों को शाकाहारी बनाना चाहिए, लोगों का मांस छुड़वाना चाहिए।